अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आयशा के किचन में हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, आज हम आप सभी के साथ जो है वो रोटी मेकर में रोटी बनाने का तरीका शेयर कर रहे हैं। देखिए, हमारा रोटी मेकर है, हमने इसे जो है वो स्विच जो है ना, इसका प्लग स्विच में लगा दिया है, इसका बटन ऑन कर दिया है। और देखिए, यहाँ पर जो है लाल रंग की जो है वो बत्ती जल रही है। जब ये लाइट जब ऑफ हो जाएगी तो मतलब कि हमारा रोटी मेकर तैयार हो चुका है। और देखिए, हमने यहाँ साइड में जो है वो रोटी के जो है वो पेड़े बना के रख लिए हैं। इसके लिए आटा जो है थोड़ा जो है ना नरम गूंदना चाहिए, कड़क आटा ना गूंदे, नरम आटा गूंदे और उसका गोला बना के हम जो है इसकी ऐसे इस तरह से जो चंगेरी बना लेंगे। और फिर आइए देखते हैं हम रोटी बनाते हैं, देखते हैं हमारा रोटी मेकर तैयार हुआ है कि देखिए, थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे लाइट शो हो रही थी अब वो बंद हो चुकी है। आइए अब हम रोटी बनाने स्टार्ट करते हैं। ये हम पेड़ा लेंगे, इसे जो है यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और हमें इसको ऐसे करके बस प्रेस करना है, बिस्मिल्लाह। और 3 से 4 सेकंड बाद हम इसे उठाएंगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी जो है बिल्कुल एकदम गोल जो है वो बिलकर तैयार है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 से 6 सेकंड हम जो है इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम रोटी को पलटेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से हम इसके चारों तरफ जो है वो जो है इसके कोनों को दबाएंगे। आप चम्मच से भी कर सकते हैं और कपड़े से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें ऐसे कितनी 10 से 15 सेकंड हमें यहाँ पे रोटी को रहने देना है इस तरह से। ये बिल्कुल भी एडिट किया हुआ वीडियो नहीं है, हम डायरेक्ट आपको रोटी बना के दिखा रहे हैं। देखिए, आटा जो है वो नरम गूंदना है। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे और ये ऐसे देखिए, माशाल्लाह से देखिए रोटी किस तरह से फूल कर बाहर आ गई है, माशाल्लाह। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी रोटी फूलती नहीं है तो घबराए नहीं, वो क्या होता है कभी कभार जो है रोटी की जो है वो हवा निकल जाती है तो रोटी फूलती नहीं है। देखिए, एक रोटी हम और बता देते हैं, लेंगे इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, बिस्मिल्लाह, और 3 से 4 सेकंड ऐसे रखेंगे, फिर इसे उठाना है और यहाँ पर भी रोटी को चंद सेकंड के लिए हमें रखना है, कम से कम 6 सेकंड। अब हम रोटी को पलटेंगे, बिस्मिल्लाह। और हाँ, रोटी मेकर लेते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखें कि 900 वॉट से कम का रोटी मेकर ना लें, क्योंकि अगर 900 वॉट से कम का आप रोटी मेकर लोगे तो उसमें आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं पकने वाली। हम ट्राई करके देख चुके हैं, 900 वॉट से कम का रोटी मेकर जो है वो तवा गर्म ही नहीं होता है। देखिए, एक बार जब ये तैयार हो गया, ये लाइट ऑफ होती है, उसके बाद जब ये रोटी मेकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो है आप बिंदास फटाफट रोटियां बनाते जाएं। देखिए, माशाल्लाह खुद ब खुद रोटी जो है वो फूल कर बाहर आ जाएगी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी रोटी बनती है माशाल्लाह से। आप इस पे जो है वो आलू के पराठे, गोभी के पराठे ये भी बना सकते हैं, हमने बनाए हैं। तो आप इसे हमारे तरीके से बनाइए, अपने दोस्त अहबाब और फैमिली वालों को बनाकर खिलाइए, इंशाल्लाह आपकी जो रोटी की जो है वो बहुत तारीफ होगी। और अगर पहली मर्तबा में अगर आपकी रोटी अच्छी नहीं बनती है तो घबराएं नहीं, प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह एक यानी कि कुछ रोज़ों में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कुछ रोज़ में तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनेगी। बाज़ लोग बोलते हैं कि हमने रोटी मेकर लिया है, बनती ही नहीं है रोटी, बेकार है। एक्चुअली क्या है, तरीका अगर हम सही तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए, अब हम इसे पलट देंगे। चलिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।